के बाद मदर डेयरी दूध ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं और ये दाम कल से दिल्ली एनसीआर में लागू हो जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के एक मदर डेयरी बूथ पे हैं और यहाँ देखिए दूध जो है वो रोजाना की तरह पहुँच चुका है और यहाँ पे एक शख्स दूध लेने पहुँचे हैं। सर आज तो 45 रुपए के हिसाब से पैसे दे रहे हैं 2 लीटर, लेकिन कल 2 रुपए बढ़ जाएंगे यानी 4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, महंगाई तो बढ़ी रही है जी रोज, कभी दूध के दाम बढ़ रहे हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या करेंगे, मजबूरी है? बिल्कुल जी है, ये तो डेली नीड की चीजें हैं, ये तो जरूरी है। तो देखिए कि लोगों को परेशानी होती है, सर आप भी टोकन का दूध ले रहे हैं लगातार जो है, पहले अमूल ने बढ़ाए, फिर मदर डेयरी ने, ब्रेड के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, और कितनी सर मुश्किल होती है? मुश्किल तो है ही है, सबके सामने ही है, लेकिन जिनके हाथ में कंट्रोल है उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। देखिए आम लोग भी अब परेशान हो चुके हैं और परेशान भी इस कदर हो चुके हैं क्योंकि अब वो सरकार से कोई मांग भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सरकार जो है वो पूरी तरीके से चुप हो गई है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जाहिर तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसे में ये स्वाभाविक था कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे, और ऐसा ही धीरे धीरे होता दिख रहा है। यानी अब पेट्रोल डीजल के दाम का असर सीधा सीधा आपके किचन पर पड़ने लगा है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।